रिकॉर्डिंग था रिगार्डिंग EDC और रिगार्डिंग फंड फ्लो, क्योंकि बजट सेशन आ रहा है, उसके लिए बात था और भी बहुत बात है। सर, इससे पहले भी आप 2-3 महीने पहले भी आप आए थे, बहुत सारे इशू के बारे में बातचीत किए थे, क्या बातचीत हुआ था? जो भी होगा आपको मालूम पड़ेगा जब ऑफिशियली बात होगा, लेकिन आज बहुत बात हुआ और अच्छे एटमोसफियर में बात हुआ, अच्छे कंजूसिव बात हुआ और अब देखेंगे क्या होता है। नहीं, पहले भी उन्होंने इंश्योर किया था जो आपने पहले डिमांड किया था, मगर इतने दिन हो गया अभी तक। देखिए, 3 महीने के बाद हम लोग सब, वी आर ऑल वाइजर, वी आर ऑल स्मार्टर, सो आई विल नॉट गिव एनी स्टेटमेंट टिल समथिंग कॉन्क्रीट हैपेंस। बट यस, द बजट सेशन इज कमिंग एंड वी हैव स्पोकन अबाउट TTAADC एंड वी हैव स्पोकन अबाउट फाइनेंशियल रिलीज ऑफ फंड्स, वी हैव स्पोकन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, विच विल कम टू लाइट वंस इट इज है। क्या लगता है सर आपको, मतलब आप लोगों का जो डिमांड है, आप लोगों का जो मतलब जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, बार बार दो बार हो गए बातचीत किए हैं, तो क्या लगता है? मतलब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ वापस, डेमोक्रेसी में क्या हमें बात नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, बात तो करना चाहिए, लेकिन आप लोगों का जो डिमांड है, आप लोग मेरा जो डिमांड है वो मेरा डिमांड है, मैं अपने डिमांड के पीछे नहीं हटता हूँ। उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मुझे सुनना है, वो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा है, मैं भी लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी का चेयरमैन हूँ, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, हम एक दूसरे को सम्मान से बात करते हैं। जब मानिक बाबू भी थे तभी भी मैं उनसे मिलता था, मैं भी बात करता था, जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिप्लब जी थे उनसे भी मैं मिलता था, बात करता था। मैं बॉयकॉट कल्चर में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, इसके बाद कल जो घटना हुई, बहुत लोग मरे हैं, उसके बारे भी बात हुआ, हेल्थ सिस्टम के बारे भी बात हुआ, मतलब कि मैं हर टाइम त्रिपुरा के भले के लिए एक दूसरे के मतलब पॉलिटिकली फाइट नहीं करता, त्रिपुरा का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। सो आई स्पीक फॉर ऑल एंड आई स्पीक ऑन पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो। एवरी टाइम आई गो एंड मीट समवन अप एंड देन पीपल ट्राई टू मेक पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ इट, दैट इज़ नॉट राइट। We have spoken on host of issues. Whatever has been discussed is the chief minister and it will remain so. अच्छा, आप सर रोमन स्क्रिप्ट या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, ये दोनों के विषय में बातचीत हुआ है क्या? मैंने मीडिया के वेलफेयर के बारे में बात किया, मैंने हज़ार चीज़ के ऊपर बात किया, हर चीज़ मीडिया को नहीं बोला जाता है, जो भी बात हुआ है वो प्राइवेट है और वो बात राइट टाइम में डिस्कस होगा और आपके सामने आएगा। हमारा जो डिमांड है वो डिमांड ब्लैक एंड वाइट है और वो क्लियर है और वो डिमांड रहेगा। और दूसरा बात है, जब भी मैं मिलूंगा और जब भी मैं मीडिया को संबोधित करूंगा, मैं ओपनली करूंगा, गाड़ी में बैठकर किसी के घर से बाहर निकलने के टाइम नहीं करूंगा। आई थिंक इट इज़ वेरी फेयर ऑन द पीपल एंड मीडिया टू स्पीक ऑन अ प्रॉपर मीडिया कॉन्फ्रेंस। 4-5 दिन के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख लूंगा और तब मैं इस हर विषय में मैं बात करूंगा, वेदर इट इज़ ऑन अ कोर डिमांड और वेदर इट इज़ ऑन अ एग्जिस्टेंस सर्वाइवल आइडेंटिटी, वी विल स्पीक बिकॉज वी हैव बीन चोजन टू स्पीक फॉर अ कम्युनिटी एंड आई विल कंटिन्यू टू स्पीक फॉर माई कम्युनिटी एंड माइंड यू आई विल नॉट स्पीक अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, आई विल स्पीक फॉर आर राइट्स बट नॉट अगेंस्ट एनीबडी एल्सेस राइट्स। थैंक यू। और हाँ, अच्छे चीज़ भी कवर कीजिए, हम लोग पमिला में गए थे, वहाँ में जगन्नाथ पूजा किया, हम तिपरासा कम्युनिटी से भी मिले, उसके बारे में पूछिए, हमेशा पॉलिटिक्स को लाकर मतलब पॉजिटिव न्यूज़ भी कीजिए कि बहुत चीज़ हम लोग कर रहे हैं और बहुत चीज़ को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। वी वांट टू इम्प्रूव द टाइज बिटवीन पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, वी वांट टू इम्प्रूव द टाइज बिटवीन द इंडिजिनियस पीपल हु आर लिविंग इन बांग्लादेश हु आर सफरिंग एंड इन त्रिपुरा। सो देर आर मेनी थिंग्स विच आर ऑल्सो टू बी हाईलाइटेड। इलेक्शन आर ओवर, आई थिंक वी हैव टू ऑल्सो लुक एट डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टेट। तो आपका आप बांग्ला